नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मार्केट अपडेट्स के आज के मेरे इस वीडियो में। बहुत सारे सवाल मेरे पास क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, और आपने मुझसे पूछा था कि सर ये बाजार आखिर गिर क्यों रहा है, और जब से LIC की साहब IPO की खबर आई है, लिस्टिंग हुआ है LIC का IPO, तब से तो इसमें मारकाट मचनी शुरू हो गई, तब से तो लगातार गिर रहा है। और उसी दिन साहब हमारे RBI साहब RBI गवर्नर साहब आए थे, स्टेटमेंट देके चले गए, और उसी दिन से साहब हमारा बाजार गिरना शुरू हो गया था। और उसी दिन मेरे ख्याल से LIC IPO का पहला दिन था। उसका कारण मैंने आपको बता दिया था अपनी क्लास में, क्यों RBI गवर्नर साहब आते हैं और साहब क्यों रेट हाइक करके चले जाते हैं। ये चीज एक क्लास का मैटर है, डिस्कस हम क्लास में कर चुके हैं, यहां बताने का कोई तात्पर्य नहीं है। बस इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर बाजार इतना क्यों गिर रहा है, और ये कहां तक गिरेगा, और ऐसे गिरते हुए बाजार में हमें निवेश के कहां मौके मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, विश्व के हालात इस समय इतने अच्छे नहीं हैं। लगातार रेट हाइक हो रहे हैं, चाहे यहां हो देश में, अपने देश में हो, चाहे अमेरिका में हो, फेड के द्वारा लगातार रेट हाइक कर रहे हैं। हर बैंक, हर सेंट्रल बैंक जो है वो अपने रेट को हाई कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे गवर्नर साहब शक्तिकांत जी ने भी रेट हाइक किए हैं, उसको इन्फ्लेशन को लेके, उसको देखते हुए साहब मुझे लगता है कि आने वाले समय में और रेट हाइक होंगे। और इसी डर और चिंता के कारण FII लगातार अपना माल बेच रहे हैं। अब तो ये मेरी लिमिट से भी क्रॉस हो गए, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा माल दोस्तों बेच चुके हैं। यानी कि इनके पास जितना भी भंडार था, पिछला जितना भी इकट्ठा था जब तक इन्होंने खरीदा है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि मेरे पे जो कैलकुलेशन थी इनकी कोरोना काल से लेकर और अब तक की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी क्लास में, और उससे ज्यादा एक्सीड इन्होंने माल अपना बेच चुके हैं। तो इनका बेचने का ही कारण यह है दोस्तों कि बाजार जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा, बाजार ज्यादा नहीं गिर रहा सिर्फ DIIs के सपोर्ट के कारण। भले ही चाहे हमारी वित्त मंत्री ये कहती रहे कि साहब अब हमें FII की आवश्यकता नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही काफी हैं, और है भी, दम है, काफी अच्छा दम है, काफी अच्छा हमारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस हो, कोई भी हो, अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं, अपना दम काफी अच्छा है, अपनी डोमेस्टिक फैक्टर काफी मजबूत है, चाहे वो अनाज उत्पादन में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। बहुत से लोग कयास ये लगा रहे थे कि आज स्थिति भारत की नेपाल और श्रीलंका जैसी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। मैंने आपको क्लास में वो भी चीज बताई थी कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगी। डर और चिंता, भय लोगों के अंदर होना स्वाभाविक है अगर बाजार लगातार दोस्तों गिरता रहे। तो बाजार गिर रहा है तो ये एक अंतरराष्ट्रीय कारण है, इन्फ्लेशन उसमें से मेन मुद्दा है, रेट हाइक होना मेन मुख्य कारण है, और साहब इसी कारण FII अपना माल लगातार बेच रहे हैं, जिस कारण बाजार आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन FII ने खरीदारी शुरू कर दी दोस्तों, वो दिन हमारे भारतीय बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, और उस दिन भारतीय बाजार गुलजार होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से खरीदेंगे नहीं, ये बाजार को गिरा के ही मानेंगे। ये बाजार को गिरा इसलिए रहे कि इन्हें रेट मिल मनमाफिक जो रेट है ये मिल ही नहीं रहे हैं साहब। FII को पहले जो रेट मिलते थे अब कहां मिल रहे हैं आपको। आप देखिए, इंडेक्स भले ही 1000 पॉइंट का गोता लगाया है, वो 17650 से इस समय 16400 के आसपास निफ्टी है, भले ही इंडेक्स गिरा हो, लेकिन क्या स्टॉक गिरे, क्या हमारा रिलायंस गिरा। आप देखिए, स्टॉक पे नजर डालिए, आपको स्टॉक सारी कहानी बता देंगे कि स्टॉक हमारे मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर इतने मजबूत है, टाटा स्टील, HDFC बैंक, मर्जर के बाद एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा, ये क्लास में मैंने आपको बताया। तो डोमेस्टिक फैक्टर जो जिस प्रकार सरकार इंप्लीमेंट्स कर रही है, उसको देखते हुए दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर इतने कमजोर है कि बाजार धराशायी हो जाए और गिरे, इंडेक्स गिरे, नहीं गिरेंगे साहब हमारे स्टॉक के प्राइस। और यही चाहती है हमारी सरकार और डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल है, यानी DIIs, इसलिए मेरे भाई कर रहे हैं खरीदारी। तो उनको देखते हुए, उन चीजों को देखते हुए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको भी बाजार में चुनिंदा एक सेक्टर में खरीदारी करनी चाहिए। कुछ स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, रिन्यूएबल एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में धूम मचा सकता है,
आप उनमें जा सकते हैं। पीएसयू बैंक है आपके लिए, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। समय समय पर बहुत से लोगों के लिए मैं पोर्टफोलियो बना देता हूं, आप भी आइए, जुड़िए, पोर्टफोलियो बनवाइए और एक अच्छे रिटर्न साहब उसमें से उठाइए। तो फिलहाल मेरे जो शब्द हैं बाजार के बारे में, मैं यही कहूंगा कि बाजार का पहला पड़ाव मुझे 16,000 के आसपास दिखता है। फिलहाल 16,250 मंडे के दिन आ सकता है, उसकी मुझे संभावना है, और वो क्यों आएगा वो मैंने आपको अपनी क्लास में बता दिया है। तो 16,250 टूटने के बाद एक स्थिति थोड़ी सी 16,000 की तरफ जाएगी, और 16,000 से अगर बाजार 16,000 से नीचे ट्रेड करेगा तो थोड़ा पैनिक होगा, जो 15,500 तक बाजार को लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी भी उसी प्रकार रिएक्ट करेगा, बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चलता है। 35,000 से नीचे तो मैं बैंक निफ्टी को साफ एक कमजोर और बेहद कमजोर होते हुए देख रहा हूं। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए, अंतरराष्ट्रीय कारण है जो बाजार को नीचे ले जा रहे हैं, मुख्य कारण है साहब एफआईआई जो लगातार अपना माल बेच रहे हैं, बचा रखा है तो डीआईज ने, इंडेक्स भले ही गिरे लेकिन आपको शेयर प्राइस गिरते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे चुनिंदा सेक्टर में जाइए, वहां बाय करिए, ओवरबॉट जो शेयर्स हैं उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक हैं जो अच्छे प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, आप उनमें एक्युमुलेशन के द्वारा बाय कर सकते हैं। अगर गिरावट हो रही है तो कोई दिक्कत या घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, एक दिन जब समय आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक के हालात सही होंगे, देश के हालात सही होंगे, तो डेफिनेटली वो स्टॉक बहुत तेजी के साथ दोस्तों ऊपर जाएंगे। फिलहाल घबराने या चिंता करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारे देश के बाजार गिर रहे हो। अगर आप अमेरिकी बाजारों पे भी नजर डालेंगे तो वहां भी अच्छी खासी गिरावट लगातार हो रही है। क्रूड 110 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, 76.5 आके आसपास आप करेंसी है, रुपया है, तो वहां से भी थोड़ी चिंता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, इन चीजों को ही ध्यान में रख के ही बाजार में कोई ट्रेड पोजिशन या लॉन्ग पोजिशन या इन्वेस्टमेंट का आइडिया बनाइए। बाकी इन्वेस्टमेंट के आइडिया आपके लिए खुले हुए हैं, समय समय पर मैं आपको सलाह देता हूं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में और टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए साहब, कोई फीस नहीं है, वो दोनों ही चैनल मेरे फ्री हैं, कुछ पे चैनल भी हैं, वहां पर जुड़िए, वहां आपको प्रीमियम नॉलेज मिलेगी, प्रीमियम जानकारी भी वहां मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। फिलहाल मैं फ्री चैनल पे भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देता हूं। तो फाइनली मुझे आज्ञा दीजिए आज का मार्केट अपडेट समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इंतजार, फाइनली नमस्कार।